हमारे साथ जो तीजों का मकसद चल रहा है इसमें हमारे साथ हनुमान वाटिका में जो महाराज जी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि दो शब्द ये भी कहें। भारतीय परंपरा में परमात्मा, प्रकृति और कर्म का महत्व है। प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय धर्म का एक अंग है। हम पेड़ पौधों का, वृक्षों का और तो दुर्वा तक को हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, परमात्मा का प्रिय मानते हैं। ये जो सावन का महीना है, सावन के महीने में बिलो पत्र चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना, फल फूल भांग धतूरा आंकड़ा चढ़ाना, जिसको लोग बेकार समझते हैं परमात्मा उसे भी अपना प्रिय मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। हम लोग यदि अपने हृदय से, तन मन धन से परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, अपने घर परिवार और समाज के कल्याण के लिए करें, भगवान की कृपा और आशीर्वाद बरसेगा। आज के दिन हरियाली थी, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के द्वारा रचित रासलीला का समय है। गोपी और कृष्ण झूला पे झूलते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये प्रकृति का जो आनंद है, कुछ समय पहले तक दिल्ली में भी भरा रहता था, इस रामलीला मैदान में होता था, लेकिन वर्षों से अब ये उत्सव बंद हो गया था। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो आनंद है, वो पुनः जगे। और इसीलिए ये सिर्फ स्त्री महिलाओं के लिए खास उत्सव है कि इसमें श्रृंगार के साथ झूमती गाती और झूलती है और उसमें सब में एक प्रेम और मिठास भी बढ़ता है। ये हरियाली तीज जो है, ये परमात्मा से मिलने का त्यौहार है और ये हरियाली तीज पे प्रकृति का आनंद और पर्यावरण के सुरक्षा का त्यौहार है। आज जो तीजों का महोत्सव इस सिलसिले में यहाँ मौजूद है हमारे साथ ये राजेश कुमार जी और जय प्रकाश जी मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं सर का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारा जो देश है वो तीज त्यौहारों से जुड़ते हैं, हमारे देश के अंदर मेले ढीले लगे रहते हैं। यही देश हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता यही है कि 12 महीने 365 दिन वो त्यौहार कैसे त्यौहार मनाए। अरे हमारे तीज त्यौहारे समाज को जोड़ने के लिए, समरसता लाने के लिए। आज तीज का दिन है, हमारी सभी बहनें आएंगी, झूला झूलेंगी। कौन किस समाज के, किस बिरादरी के, किस धर्म के, इसका कोई मतलब नहीं। आओ झूला झूलो और मिलकर के देश पार करो। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद ये पहल शुरू हुई है हमारे यहाँ रामनगर ग्राउंड में मनाया जाता है मुझे लगते थे, लेकिन उसके बाद आज मुझे लगता है कि पहल दोबारा शुरू होता है। दोबारा से शुरू जो है हमारा बालिका जो शुरू होता है, उसके चाहने के आने वाले समय में हमें मैदान के अंदर मनाया गया है। हम गाड़ी में भी मामला करते हैं एकता में एकता, यही इंसान की प्रकृति का रास्ता है और इसी रास्ते पर चल करके हम आगे बढ़ सकेंगे और तमाम दिक्कतों परेशानियों से दूर हो सकेंगे। हमारे साथ शुमाली मुंसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जय प्रकाश जी और हमारे साथ राजेश कुमार जो अजमेरी गेट के कौंसलर पहले कर रहा साथ कौंसलर जो कहने से आप देख सकते हैं हनुमान पार्टी का जो लोग बनाए गाड़ी यहाँ पर झूला झूल रहे हैं ये बच्चे, यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो बताते हैं यहाँ पे जो रामलीला मैदान में पुरानी परंपरा है। जो शुरू में पहले यहाँ खूब झूले लगा करते थे लेकिन आजकल जो है यहाँ बहुत कम है, तो ये यहाँ पर मचान वाले बाबा के सौजन्य से उन्होंने इस कोशिश को किया कि यहाँ की जो हमारी महिलाएँ हैं, बच्चे बड़े सब जो हैं अभी बताती हैं, यहाँ की औरतों ने बताया कि दूर दूर घूम झूलने जाते थे इंडिया गेट इधर, लेकिन इस बार ये यहाँ पर ये जो है इंतज़ाम किया गया और ये हर साल किया जाएगा। देख सकते हैं आप ये बच्चे जो यहाँ झूल रहे हैं, ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये झूला डाल रहे हैं। और मौसम भी जो है अच्छा होता चला जा रहा है और मौसम के जो लोग हैं, ये मौसम का ही होता है, सावन के महीने में अक्सर ये किया जाता है जो इसमें झूला झूल रहे हैं लोग। आप ये देख सकते हैं सब बच्चे बड़े सब इसमें झूला झूलने में मजबूर झूला झूल रहे हैं और इस तरह का यहाँ पर जो माहौल है बता रहे हैं कि हर साल यहाँ पर इस तरह का माहौल हुआ करेगा। बेटा तुम झूला झूल रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा। आप हर साल झूलते हो झूला? नहीं। और आ रहे हैं गले डाउना। देखिए ये
वाटिका में जो है इसमें पहली बार ये रामलीला मैदान में कौंसलर राकेश कुमार की कोशिशों से जो ये लगा, यहाँ पर ये महिलाओं के लिए जो तीजों का प्रोग्राम होता है झूले डालते हैं, आप देख सकते हैं साफ ये कर राकेश कुमार जी खड़े हुए हैं। अभी यहाँ के मेयर भी आए थे जयप्रकाश जी, उन्होंने भी यहाँ पे इनको आशीर्वाद दे के गए हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं राकेश कुमार जी गालिब पहली काफ़ी दिन बाद हुआ है तो इसमें आपकी कोशिश है आप कुछ देखिए। हम लोगों ने कोशिश पहली बात तो कोशिश हमारे हनुमान वाटिका से महात्यागी ट्रस्ट की ओर से ये कोशिश की जा रही है, हम लोग उसका पार्ट है, महात्यागी ट्रस्ट की ओर से ही सारा कुछ हो रहा है। हाँ लेकिन ये है कि हमारी परंपराएं जो है तीज त्योहारों में बसती हैं, तो तीजों का त्यौहार भी हमारे यहाँ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था किसी वक्त में, इसी रामलीला मैदान में बहुत झूले 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 वगैरह लगते थे, हम लोग भी आते थे बचपन में, लेकिन अब वो हमारी जो परंपरा है वो ख़त्म होती जा रही है क्योंकि आजकल बिजी इतना हो गया है माहौल, तो अपनी कल्चर को बचाए रखने के लिए अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए आज ये आयोजन किया गया है। और मैं अपने मचान वाले महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि हिंदुस्तान की जो कल्चर को और परंपराओं को कायम रखने में महात्यागी ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज उसी की कड़ी में ये तीज महोत्सव हरियाली तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ भी सब हमारी माताएँ बहनें आएंगी, शाम को झूला झूलेंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है, तो उसके बाद देखिए तीज हरियाली महोत्सव जो इसमें हनुमान वाटिका में मनाया गया मचान वाले बाबा की कोशिशों से जो है यहाँ पर ये काम हुआ है, पहले भी यहाँ होता था, इस बार हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इलाके के काउंसलर और ये सब लोग मौजूद हैं और यहाँ की महिलाएं जो है इन्हीं के लिए क्या है, बचपन में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत झूले लगते थे लेकिन ये पहली बार लगा और ये यहाँ पे धूप होने के बाद जो शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ये जुड़ी हैं बहन, हम इनसे जानना चाहेंगे, आप ज़रा बताएं विस्तार रूप से कि इस बारे में। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है, मैं यहीं सीताराम बाज़ार में रहती हूँ और महाराज जी ये सब करवाते रहते हैं छोटा मोटा प्रोग्राम, आज राकेश भैया और हम सब बहनों के सहयोग से भी हो गया। ये क्या कहते हैं, सारी बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग पहले दूर दूर झूलने जाते थे इंडिया गेट वगैरह, तो महाराज जी ने यहीं पर करा दिया तो बहुत अच्छा करा कि सबके सहयोग से यहाँ पे हो गया तो अच्छा लग रहा है। इस बार हुआ और राकेश जी का ये कहना है कि ये जो ट्रस्ट ने शुरू किया यहाँ पर, इसकी वजह हर साल ये प्रोग्राम किया जाएगा। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।